होमोसेक्सुअलिटी आई डोंट नो देयर नहीं इतना खास नहीं जानते उनके बारे में बाहर से आया है वो सब यहाँ का नहीं है यहाँ संस्कृति है अपनी यहाँ औरत भी नहीं है मर्द भी नहीं है एबनॉर्मल वो गलत है ना जो लेडीज लेडीज जेंट्स जेंट्स करते उसका नहीं होने चाहिए गलत है अपनी जमुना खुद आप ही बनावे अपने नयन से नीर बहाए अपनी जमुना खुद आप ही बना समाज की निगाहों में तो मुझे लोग लड़का ही मानते हैं लेकिन मैं अपने आप को एक कोती मानता हूँ मेरी जो फीलिंग है वो एक लड़कियों की तरह है एक लड़की की तरह सोचना एक लड़की की तरह बात करना एक लड़की की तरह बिहेव करना जब समाज के बीच में जाता हूँ तो बहुत मुश्किल होती है अपने आप को प्रेजेंट कर पाना क्योंकि समाज में जो समलैंगिकता है उसको अपनाया नहीं गया है लोग तरह तरह के कमेंट्स पास करते हैं इस चीज़ को लेके लोगों को मालूम है मैं बायोसेक्सुअल और कुछ लोगों को ये भी लगता है इज नॉट नाइस थिंग पिया तो राख कैसा अभिमान तो घर में जब मेरी सहेली जाके बोली कि आपका बेटा बेटा नहीं है बेटी है मम्मी में साड़ी पहनता है तो वो ताती में जो इधर कन्फ्यूजन है वो सेम कन्फ्यूजन उधर फैमिली में भी क्रिएट हो गया तो बाद में मेरी माँ समझने लगी कि मेरे बेटे को शादी कराऊँ तो ठीक हो जाएगा जैसे कि कुछ दवा है मुश्किल होती है घर में ये बोलने के लिए कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ या मैं एक हिजड़ा हूँ क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो समाज से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें भी समाज का सामना करना पड़ता है तो बहुत बार इन सब बातों को ध्यान रख कर ये करना पड़ता है पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम किसी की सोचते नहीं हैं और हमें एक्सीडेंटली या हमें तुरंत वहाँ का वहीं बताना पड़ता है कि मैं क्या हूँ और मेरी सेक्सुअलिटी क्या है क्योंकि ये ज़्यादा करके टीजी लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है कि उन्हें जाकर डायरेक्टली बताना पड़ता है कि मैं खिजड़ा हूँ और मैं तुम्हारे साथ घर में नहीं रह सकता मतलब तुम आदमी हो और औरत हो कहाँ से आए हो तुम इतने दिन कहाँ थे अचानक तुम बड़े हो दिखते हमने कभी आज तक कोई ऐसा छोटा हिजड़ा नहीं देखा जो सीनियर केजी में जा रहा है बैग लेके स्कूल में जा रहा है या कॉलेज में कोई हिजड़ा जा रहा है दो चोटी डाल के ना ऐसा कोई हिजड़ा देखा नहीं आप डायरेक्ट सडनली कैसे आ जाते हो आई एम गे एक्चुअली दैट्स नॉट अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ मी इट्स एन इंग्लिश वर्ड बॉरोड फ्रॉम द वेस्ट बट देन आई डोंट हैव अ टर्म इन एन इंडियन लैंग्वेज द ट्रांसजेंडर्स द ड्रैग क्वींस द यूनक्स दे ऑल हैव एन इंडियन टर्म एन इंडियन नेम But I have none. No wonder being gay is still seen as a Western construct. Irony is that for people like myself, growing up in Bombay, from a very well-to-do South Bombay existence, being gay, very often the people we would have sex with were the people who we talked about as being the non-South Bombay, being the suburbanites, being the lower economic strata. And so when it's come to the act of sex itself, there has definitely been a strong mingling of the classes. When it comes to socialization and a gay subculture, then it's a very different story because like tends to hang around with like. It's sad that, you know, we would always call a minority person controversial. Today, if I'm from a minority community and I come out and shout, somebody will say I'm controversial, but I'm not. I'm just asking for my rights. I'm a writer, designer, filmmaker by choice. But I'm an activist, not by choice. I'm forced to speak out because of a need within myself to claim some dignity for myself, for people like me, to tell everyone, the world, that I'm normal. Section was brought in by the British, and it's got a very interesting linguistic twist to it. It says any person who has voluntarily has carnal intercourse.
against the order of nature with a man, woman or an animal shall be punishable with imprisonment of life or 10 years. But the interesting is, what is the meaning of carnal intercourse against the order of nature? And that was introduced by the British, because the British felt that sex should only be had for begetting children. There is no question of having sex for pleasure. Section 377 is mainly used to harass people. If it can be read down, then people would be more confident in coming out and in accessing the services, which they are not at present. We do have a very old, archaic rule in our country, but there's no reason why they shouldn't be allowed to live the way they like to. If Section 377 is read down, what happens is that sex between two men gets decriminalized. So not just the stigma, but a lot of discrimination goes. According to me, Section 377 should be thrown out. The law, Section 377, criminalizes gay, lesbian and transgender people. But it's a society that ridicules, stigmatizes, shuns, makes us feel ashamed, make us feel like perverts. एक हिजड़ा समाज से है, हमें कोई कमाने का जरिया नहीं है. अगर हम कहीं रात को निकलते हैं, रास्ते पर कहीं धंधा करने खड़े होते हैं, तो पुलिस वाले जो है वो हमें डंडे से मारकर वहां से भगा देती है, हमें खड़ा रहने नहीं देती है, ताकि हम वहाँ पर खड़े रहकर धंधा ना कर सके. हम उनको ये लगता है कि हम समाज को, सोसाइटी को बिगाड़ने का काम करते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि हम भी पेट के लिए करते हैं. अगर बात भी करें पुलिस से तो कैसे करें, क्योंकि अगर हम कुछ बात करना चाहते तो वो सीधा लाठीचार्ज कर देते, तो उस डर से हम बात भी नहीं कर पाते, या कुछ उनको हम सवाल भी पूछ नहीं सकते कि आप क्यों हमें पकड़ के लेके जा रहे हो, हमारा गुनाह क्या है या हमने क्या कसूर किया है, ये कैसे हम उनसे पूछें, क्योंकि कुछ बोलने के पहले ही उनके हाथ टूट जाते हैं. तो पूछे तो क्या पूछे उनसे. कई बार ऐसा होता है कि रात भर अगर जेल में डालते हैं, कोई आके छुड़ाता नहीं है, तो वो उस मौके का फायदा उठाते हैं. वो भी हमसे ऑफर करते हैं कि मेरे साथ सेक्स करो, मैं तुम्हें एक घंटे में छोड़ देता हूँ, या शाम जाने के बाद मैं तुमको चुपचाप छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा. तो हम भी क्या करें, हमारे जैसे इजड़े भी क्या करें, हमें मजबूरन हमें भी उनके साथ सेक्स करना पड़ता है. इजड़ा भी एक इंसान होता है, उसकी भी तकलीफें होती हैं, उसके भी दुख होते हैं, उनकी भी. पुलिस ये होता है कि उनको दोनों तरफ की साइड सुननी चाहिए, उसके बाद आगे का कुछ एक्शन लेना चाहिए, पर वो कुछ सुनती नहीं है, क्योंकि ये जो 377 के बात करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग तो लीगली है ही नहीं कहीं पर. ठीक है, मैं करंट 2008 की बात बोल रही हूँ. हम लोग बहुत बहुत तकलीफ़ में हैं. आज मुझे खुद को यहाँ पे शर्म आ रही हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी होके मेरे लोगों के बारे में बोल रही हूँ. मैं हर दो दिन में हमारा आउटरीच वर्कर किसी न किसी पुलिस स्टेशन जाता है, 1200 रुपये फ़ाइन भर के आता है. मुझे भी पता है बाबू, भीख मांगना गुनाह है. इंडियन लॉ कहता है कि बेगिंग इज़ अ क्राइम. आई नो दैट बेगिंग इज़ क्राइम, बट आई डोंट हैव अ जॉब. मेरे पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं, तो मैं भीखी मांगूंगी. पुलिस स्टेशन में जाते हमको इतना गंदे तरीके से देखा जाता है, क्या कितना करती है, धंधा करती है, क्या करती है, इधर बैठ चल गाना गा के दिखा, तेरे असली है क्या नकली है, अरे तेरे को दाढ़ी नहीं आती, तू दाढ़ी करके आई. हमारे साथ मजाक होता है. मुझे वो पकड़ देता है कि चल कपड़े निकाल, मेल लॉकअप में चल. मेल लॉकअप में जाती हूँ, गर्दुले वहाँ पड़े रहते हैं रात को, तो वो मुझे नोचेंगे ही नोचेंगे अगर रात को पकड़ा है मुझे. मेंटली तैयारी करनी है, चल भाई अभी तेरे हाथ आई हूँ, तू जो करना है कर ले. अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे. On 20th, it was just these three hijras who were standing on the road
After finishing begging, they were just standing in the signal to take the auto, and they were called by the police saying, "We just want to talk to you, come to the police station." And they were just taken in a police van, and in the police station, when they asked, "Why have you brought us here?" the police started beating them up. So at that point of time, they kind of called Sangama Crisis Intervention Team. The crisis team, three hijras were there and two kotis were there, pant shirt kotis. Both pant shirt kotis were stripped to check whether they were male or female, beaten up. Every single person who was thought that they were all hijras and just touch anywhere, it's fine. Whether you hold breasts and put them inside the van, whether you hold their bums and push them inside the van, whether you hold their hands and push them inside the van, what you touch, where you touch, no decency, nothing. This is how the entire police behaved. Fake no, fake no, these are the men, fake no, fake no, fake no, these are the men, fake no, fake no, fake no. But when will this violence, this cruelty end? The Delhi High Court has heard both sides of the case over 12 days of one of the most astonishing human rights trials in India. They'll be coming out with the verdict soon. Will it be for or will it be against reading down Section 377? But I, of course, am hopeful that my partner and I can live without fear, that we can have the same rights, the same dignity as anyone else. I hope I can say I love another man without fear. One day. यादों की राह पर खुशियों की छाव है यादों की राह पर खुशियों की छाव है निकले थे अकेले अब संग कितने पाव है सपने हैं अपने हैं और तू भी मेरे साथ है निकले थे अकेले अब संग कितने पाव है I can be arrested for making this film under section 377 I can be imprisoned for life I'm a criminal because I dare to love